नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo K10 5G वर्सेस Xiaomi Redmi Note 11 SE का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो K10 5G में 6.45 इंच जबकि Redmi Note 11 SE में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि K10 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो K10 5G में 2.96 इंच जबकि Redmi Note 11 SE में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि K10 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो K10 5G में 0.31 इंच जबकि Redmi Note 11 SE में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि K10 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो K10 5G में 190 ग्राम जबकि Redmi Note 11 SE में 178.8 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो K10 5G में IPS LCD जबकि Redmi Note 11 SE में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो K10 5G में 20:1:9 जबकि Redmi Note 11 SE में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो K10 5G में 6.56 इंचेस जबकि Redmi Note 11 SE में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन K10 5G में 720x1612 और Redmi Note 11 SE में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो K10 5G में 84.46% जबकि Redmi Note 11 SE में 83.48% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो K10 5G में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi Note 11 SE में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो K10 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 11 SE की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो K10 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi Note 11 SE की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो K10 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Redmi Note 11 SE में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो K10 5G में Mali G57 MC2 जबकि Redmi Note 11 SE में Mali G76 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो K10 5G में MediaTek Dimensity 810 MT6833 और Redmi Note 11 SE में MediaTek Helio G95 मिलता है। बात करें RAM की तो K10 5G में 8GB जबकि Redmi Note 11 SE में 6GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो K10 5G में 128GB जबकि Redmi Note 11 SE में 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो K10 5G में अप टू 1TB जबकि Redmi Note 11 SE में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो K10 5G में Android V12 जबकि Redmi Note 11 SE में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो K10 5G में 2 कलर्स जबकि Redmi Note 11 SE में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो K10 5G 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें Redmi Note 11 SE की तो वो 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो K10 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 11 SE की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 11 SE आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11 SE आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में K10 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 है, दूसरा Realme 8 Pro है, तीसरा Vivo Y31 2021 है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo 35G है, और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।